हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अमर अल खलीज कंपनी के बारे में। इसमें हमारे पास बहुत सारी अच्छी ओपनिंग आई हैं, जिसकी मैं डिटेल आपके साथ एक एक करके शेयर करने वाला दोस्तों। अगर ये प्रोफाइल आपको पसंद आती है तो इस जॉब को कैसे अप्लाई करना है वो भी वीडियो में अंत में बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को पहले बारीकी से सुनिएगा, इसमें कितनी सैलरी मिलने वाली है, कितना एज लिमिट चाहिए, साथ ही साथ इसमें यह भी बताऊंगा कि इसमें आपका वीज़ा कौन सा मिलेगा, इसमें कौन कौन से पासपोर्ट के होल्डर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जो है आपके रिटर्नर या फ्रेशर किसके किसके लिए ये वैकेंसीज हैं, और इसमें सैलरी कितना मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें ट्रेड कौन सी अवेलेबल है। इन सभी विषय पर चर्चा करूंगा दोस्तों। चैनल में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा के आल वाला बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको ये प्रोफाइल पसंद नहीं आती है या आपका प्रोफाइल मैच नहीं करता इस वीडियो में बताई गई प्रोफाइल से, तो घबराना नहीं दोस्तों। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, सबसे स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको टाइटल के नीचे ही बहुत सारे वीडियो के लिंक। आप वहां पे जाके कोई भी अपने अकॉर्डिंग, अपने जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है वीडियो आप देख करके, वो लेटेस्ट ओपनिंग होगी दोस्तों। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो अमर अल खलीज में जो है दोस्तों हमारे पास जो अभी ओपनिंग है, तो इसमें अगर बात करें दोस्तों, तो जो पहली ट्रेड है वो है ब्लॉक एंड प्लास्टर मेसन की। ब्लॉक एंड प्लास्टर में जो है इसमें जो है 70 बंदों की जरूरत है दोस्तों। इसमें सैलरी मिल जाएगी 1200। और दूसरी पोस्ट है हमारे पास टाइल्स मेसन की, इसमें जो है 70 बंदे की जरूरत है, इसमें सैलरी मिल जाएगी 1200। तीसरी पोस्ट है सटरिंग कारपेंटर की, इसमें 60 बंदों की जरूरत है, इसमें सैलरी मिल जाएगी 1200। चौथी पोस्ट है दोस्तों, इसमें 60 बंदे की जरूरत है, स्टील फिक्सर की पोस्ट है, इसमें सैलरी मिल जाएगी 1200। और पांचवी पोस्ट की बात करें दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हेल्पर की है, हेल्पर में आपको जो है 1000 मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से जो क्राइटेरिया है मैंने बता दिया। तो दोस्तों घबराना नहीं है, ये सिर्फ 1000-1200 के देख के मत घबराइए आप। इसमें होगा क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ 8 घंटे की सैलरी है। अगर आप 8 घंटे के अलावा 4 घंटे ओटी करते हैं, क्योंकि ओटी कंपलसरी इसमें रखा गया, यानी कि आपको मिलना ही मिलना है, तो अगर आप ओटी करते हैं 4 घंटे तो जस्ट आपका 1.5 या 2 गुना सैलरी हो जाता है। तो आप समझिए, अगर आपका सैलरी 1200 है तो 1200 और उसका आधा कर लीजिए 600, तो 600 का करेंगे तो 1800 हो जाएगा, 18 का लगभग वही 40 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है, यानी आपका ट्रेड में और हेल्पर में भी आप 30 के आसपास पा जाएंगे दोस्तों। तो ये क्राइटेरिया है इंडियन रुपीज में, मैं बता रहा हूँ, वो बताया था वहाँ की करेंसी में जहाँ की ये जॉब है। तो अब बता दूँ, ये जॉब प्रोफाइल जो है ये सऊदी अरेबिया के लिए दोस्तों। इसमें क्या क्या चीज़ मिलने वाला है वो भी बता देता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको एक एक डिटेल बताऊँगा दोस्तों। सऊदी अरेबिया के नाम से बिल्कुल मत घबराइए दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलना है, ECR और ECNR दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आप रिटर्नर हैं चाहे आप फ्रेशर हैं, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो मेडिकल होगा इसमें दोस्तों, एकदम नॉर्मल मेडिकल होगा, आपका कोई गम का मेडिकल नहीं होगा कि आपको ज़्यादा पैसे देके जाना है यानी पे करके जाना है। तो ये मेडिकल भी आपका जो होने वाला है वो नॉर्मल होने वाला है। इसमें एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो एज लिमिट ट्रेड के लिए 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और हेल्पर की बात करें तो 19 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही कैंडिडेट के लिए अच्छा खासा एज लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो अगर आप दोनों प्रोफाइल में अगर हैं, आप हेल्पर में हैं, ट्रेड में हैं, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज करिए, कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं आपका रिप्लाई जरूर करता हूँ। हो सकता है एक साथ बहुत सारे कॉल आ रहे हो तो मैं रिप्लाई नहीं करूँ, या तो कोशिश करता हूँ कॉल बैक करूँ, लेकिन एक साथ अगर 100 लोग कॉल कर देंगे दोस्तों तो 100 लोगों को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं वीडियो में पूरी जानकारी दे देता हूँ, कोशिश यही करता हूँ। तो एक काम कर सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं 100% दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आप बता देता हूँ इस जॉब को अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, इसका एक इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है दीन बंधु इंटर कॉलेज नियर पड़ाव मड़िया वाराणसी में, यानी बनारस के आसपास आप जिलों में रहते हैं, आप यूपी में कहीं भी रहते हैं, तो यूपी के बंदों के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है दोस्तों वो वाराणसी में हो रहा है। एड्रेस मैंने बता दिया, आपको फिर भी कोई असुविधा हो रही है तो हमें कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सबसे लास्ट में मैं एक नंबर दे दूंगा, आप वहां पे भी कॉल करके आप बात करके उस इंटरव्यू वाले जगह पे पहुंच जाएंगे। जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है दोस्तों, ये 24/5/2023 को हो रहा है और 25 को बक्सर में हो रहा है, यानी 24-25 दोनों को है। और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो इंटरव्यू हो रहा है, आपको पहले मैं कई बार बता चुका हूं कि ये सरकारी यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी है। जितनी भी इंटरव्यू मैं आपको देता हूं दोस्तों, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं, तो आपको तनिक भी ये सोचने की दिक्कत नहीं है कि यार मैं फंस जाऊंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपका 100% काम होगा। और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इस प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप दोनों जगह में, यानी 24/5/2023 को यूपी के लिए बनारस में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप बक्सर में नियर विशाल होटल के पास हमारा जो ऑफिस है वहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं बक्सर में, वो 25 को इंटरव्यू हो रहा है, 25/5/2023 को, तो दोनों जगह घबराने की बात नहीं है कि अलग अलग ऑफिस है दोस्तों, ये दोनों ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी है, ओम टेक ओवरसीज। आप चाहें तो गूगल करके सरकारी लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो
तो आपको तनिक भी सोचने की बात नहीं है। आप जब भी जा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी से जा रहे हैं, तो आपका कहीं एक रुपया जया नहीं जाने वाला है, काम टाइम पे होगा दोस्तों। दोस्तों इंटरव्यू पे मैं यही कहूंगा कि आप समय पे पहुंच जाएं और समय से इंटरव्यू दे लें, क्योंकि इंटरव्यू हार्डली 2 या 3 बजे तक ही चलता है। जनरली इन केस हो सकता है दोपहर में थोड़ा अगर लड़के ज्यादा हुए तो टाइम तक चल सकता है, जैसे अगर 1,000-1,500 हो गए तो ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन अगर 100-200 लोग होंगे तो बहुत टाइम नहीं लगने वाला है दोस्तों, 12-1 बजे तक इंटरव्यू क्लोज हो जाता है। जनरली 9 बजे से स्टार्ट हो जाना है, तो आप अपने हिसाब से आ जाएं टाइम पर और इंटरव्यू दे लें और अपनी सिलेक्शन पक्की कर लें दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब के साथ, तब तक लिए नमस्कार दोस्तों।